क्या ऐसा स्पेशल है, क्योंकि दूसरी भी बाइक्स है तो उनकी बाइक से इस बाइक में स्पेशल क्या है? तो मैं पूछती हूँ, कार्तिक बताइए आपके बाइक में ऐसा क्या स्पेशल है? सो बेसिकली ये जो बाइक है वो नियरली मेड इन इंडिया बाइक है। प्रोडक्शन जो है वो पूरा प्रोडक्शन बाइक का जो महाराष्ट्र में ही होता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट सोनल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लिव यंग टीवी। फ्रेंड्स, लिव यंग टीवी चाहता है इंडिया नॉइज़ फ्री और पोल्यूशन फ्री बने, और इसलिए हम चाहते हैं इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स और फोर व्हीलर ही चलाएं। और इसी के वजह से हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने भी सब्सिडी दी हुई है कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे। सो गाइज, आज मैं आपको ऐसी ही एक जो लिथियम आयन बैटरी की बाइक है उसका रिव्यू देने वाली हूँ। तो उस बाइक का नाम है क्रेटोस आर, जो कि टॉर्क कंपनी की बाइक है। गाइज, आज मैं आई हूँ टॉर्क मोटर के फैक्ट्री में, ये भोसरी पुणे में है। यहाँ पर आने के बाद आपको ये जो आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक बाइक, आप यहाँ पे देख सकते हो या फिर इसका टेस्ट ड्राइव भी कर सकते हो। और जो भी कस्टमर्स आते हैं उनके लिए यहाँ पर ही ये बाइक्स रखी हैं, ये टेस्ट ड्राइव की बाइक है। तो प्लीज़ आप लोग इनके फैक्ट्री में विजिट दीजिए। सो लेट्स बिगिन विद द रिव्यू। बढ़ने से पहले सबसे पहले आपको इस बाइक के जो प्राइस है उसके बारे में जानकारी देती हूँ। मेरे साथ है मिस्टर कुमार, जो कि टॉर्क कंपनी का मार्केटिंग और सेल्स दोनों संभालते हैं। तो हम उनसे बात करते हैं इस बाइक के प्राइस के बारे में। सो कुमार, आप बताइए इसका प्राइस क्या है? एक्चुअली ये जो बाइक है ये क्रेटोस आर है। इसकी जो एक्स शोरूम प्राइस है ये 2,07,499 रुपीज़ है, जिसमें से कस्टमर्स को एक्स शोरूम मतलब फेम टू सब्सिडी 60,000 रुपीज़ और स्टेट सब्सिडी जो है 10,000 रुपीज़, वो माइनस होके ये जो बाइक है बाइक की एक्स शोरूम प्राइस जा रही है 1,37,499 रुपीज़। हाँ, तो अगर कस्टमर अगर हम लोग एक ऑन रोड प्राइस के बारे में अगर इसके बारे में बात करेंगे तो गाड़ी की एक्चुअल ऑन रोड प्राइस जा रही है 1,52,623 रुपीज़ एक्सक्लूडिंग इंश्योरेंस। यस, ये सिर्फ जो है ये सिर्फ पूना वालों के लिए है। या तो आपको तो प्राइस अभी बता दिया है हमने, और इसके वारंटी के बारे में भी पूछते हैं। इसके ऊपर आप कितना साल का वारंटी दे रहे हो? ये जो बाइक है ये बाइक का वारंटी है 3 इयर्स का वारंटी है, और 3 इयर्स और 40,000 किलोमीटर्स हम लोग जो वारंटी दे रहे हैं। वारंटी मतलब एक तो 3 साल तक या उसका जो भी किलोमीटर्स है 40,000 किलोमीटर्स का 3 साल की वारंटी। थैंक यू। सो गाइस, कुमार ने यहाँ पर बता दिया है इसका प्राइस और वारंटी। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में अब हम आगे। तो अब हम इसके फ्रंट फीचर के बारे में जानकारी लेते हैं। ये है टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन विद अलॉय व्हील रिम, और ये है 17 इंच के ट्यूबलेस टायर जो कि MRF कंपनी के हैं। ये है 280 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक, और ये ऑयल ऑपरेटेड है, और ये ऑयल ऑपरेटेड होने की वजह से आप एफर्टलेस ब्रेकिंग कर सकते हो। और इसमें कॉम्बी ब्रेक का भी सिस्टम दिया गया है जो कि एडविक कंपनी का है। यहाँ पर फ्रेंड्स, आप ये जो बाइक देख रहे हो आपको ये यहाँ पर वाइट ऑन ब्लैक कलर में देखने के लिए मिल जाती है। फिलहाल कंपनी ने यही कलर रखा है, दूसरे कलर का ऑप्शन नहीं है इसमें, तो आपको यही कलर यहाँ पर मिलेगा। और जो वाइट कलर है यहाँ पर आपको ग्लॉसी कलर में मिल जाता है, और ये जो ब्लैक कलर है ये मैट कलर है यहाँ पर। उसी के साथ देखिए, ये है इसके हेडलाइट यहाँ पर दिया गया है, और यहाँ पर ये है इसका नंबर प्लेट, और इसके जो इंडिकेटर्स है नंबर प्लेट के साइड में ही दिए गए हैं। आपको ऑन करके दिखाती हूँ मैं। तो देखिए, इसका जो हेडलाइट है इसे मैंने ऑन कर दिया है, ये LED यहाँ पर लाइट्स दिए गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पर अंदर के साइड में LED लाइट्स दिए गए हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, अंधेरे के टाइम पे आपको रास्ता काफ़ी साफ से दिखने वाला है इन लाइट की वजह से। और इसके जो इंडिकेटर्स है इन्हें भी ऑन करके दिखाती हूँ, पर ये जो लाइट है ये DRL यहाँ पर दिए गए हैं। तो देखिए, इसके जो इंडिकेटर्स है इसे ऑन करे हैं। इस बाइक में जितने भी लाइट्स है सब LED लाइट्स हैं। तो यहाँ पर ये देखिए,
ये है इसका रेयर ब्रेक, यहाँ पर डिस्टेंस भी काफ़ी कम रखा है तो इमरजेंसी के टाइम पे हमें बहुत इजी हो जाता है ब्रेकिंग करने के लिए। इसका ग्रिप भी बहुत ही अच्छा है, ये देखिए यहाँ पर प्लास्टिक दिया है तो मुझे ये कंफर्टेबल लग रहा है इसके वजह से। ये है इसका अपर लाइट और लोअर लाइट का स्विच, यहाँ पर ही पासिंग का स्विच दिया गया है। ये है इसके इंडिकेटर्स के स्विच, स्विच भी काफ़ी स्मूथ है यूज़ करने के लिए, ये देखिए। और ये है यहाँ पर हॉर्न का स्विच, और यहाँ पर ही ये मिरर देखिए दिया गया है जो कि ब्लैक कलर में हमें देखने के लिए मिल जाता है। उसी के साथ ये है इसका फ्रंट ब्रेक, यहाँ पर भी गैप को मेंटेन रखा गया है। ये है इसका एक्सेलेटर, यहाँ पर ग्रिप भी बहुत ही अच्छी है। ये है इसका किल स्विच, रेड कलर में आप देख सकते हो। और ये है इसका मोड स्विच, यहाँ पर दिया गया है इको, इसमें आपको तीन मोड देखने के लिए मिल जाते हैं, इको मोड, सिटी मोड, और ये है इसका स्पोर्ट्स मोड। आप ये देख रहे हो, ये है रिवर्स का स्विच, इसमें रिवर्स असिस्ट दिया गया है, तो इसका ये बटन है। आइए अब मैं आपको इसके डिजिटल डिस्प्ले के बारे में जानकारी दे देती हूँ। ये देखिए, ये है इधर 5 इंच का डिस्प्ले, पर ये अभी ऑन नहीं है, इसे ऑन कैसे करना है बता देती हूँ। तो ये देखिए, ये है इसका ओडोमीटर, यहाँ पर दिया गया है। ये है इसका ट्रिपोमीटर, और इसका रेंज है 120 किलोमीटर, मतलब अब है इसका 120 किलोमीटर, और ये कितना किलोमीटर जाएगी आपको यहाँ पर वो डिस्प्ले हो जाएगा। ये है इसका बैटरी स्टेटस, आपकी बैटरी कितनी चार्ज है और कितनी नहीं आपको यहाँ से पता चल जाएगा। इसमें आप आपका टाइमिंग भी सेट कर सकते हो, वॉच साथ में रखने की ज़रूरत नहीं, यहीं से आपको टाइमिंग पता चल जाएगा। और उसी के साथ ये आप हेलमेट का सिंबल देख रहे हो, मतलब ये आप अगर आपने हेलमेट नहीं पहना है तो आपको बार बार याद दिलाएगा कि प्लीज़ आप हेलमेट पहन लीजिए। और ये है बैटरी का टेम्परेचर सेंसर, और एंगेज द फ्यूचर यहाँ लिखा गया है। अभी इसे ऑन कैसे करना है बता देती हूँ। ये यहाँ पर किल स्विच दिया है, ये देखिए रेड कलर में। तो सबसे पहले हमें ये जो बटन है इसे इस तरह से प्रेस करना है, तो ये देखिए यहाँ पर ये है ग्रीन कलर आया है, इट्स मीन अब हमारी ये जो बाइक है ये अभी चालू हो गई है। और ये है इसका स्पीडोमीटर। गाइस, जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तभी ये इको के मोड पे होता है, तो अभी हम इसे सिटी के मोड पे डाल देते हैं। तो हमें ये जो बटन है सी का, इसे प्रेस करना है और यहाँ पर एंटर करना है, तो सिटी मोड आ गया है। नाउ इसमें अभी हम स्पोर्ट्स मोड का करते हैं, तो स्पोर्ट्स का बटन प्रेस कर दिया है और यहाँ पर एंटर भी कर दिया है। और इसमें रिवर्स का भी फीचर है, तो इसे कैसे यूज़ करना है बता दूँ। ये वाला जो बटन है इसे हमें क्या करना है, ये जो रेयर और फ्रंट ब्रेक जो है इन्हें दोनों हमें एक साथ प्रेस करना है, और ये जो रिवर्स का बटन है इसे भी प्रेस करना है। तो ये देखिए यहाँ पर ये रिवर्स में आ गई है, और करना क्या है तो हमें यहाँ पर देना है एक्सीलेटर, ये देखिए मैंने यहाँ पर दे दिया है। तो ये ऑटोमेटिकली 5 to 6 के स्पीड से पीछे जाती है, हमें किसी की हेल्प की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, तो ये बहुत ही अच्छा फीचर यहाँ पर हमें मिल जाता है। चलिए अब हम इसके स्पीड के बारे में जानकारी लेते हैं। अभी इसे मैंने इको पे रखा हुआ है, तो इको के मोड पे हमें कितना स्पीड मिलता है देखते हैं। तो यहाँ पर हमें मैक्स टू मैक्स 49 का स्पीड मिल जाता है इको के मोड पे। नाउ मैं डालती हूँ यहाँ पर सेकंड जो मोड है वो है सिटी मोड, तो सिटी के इस मोड पे अभी मैंने यहाँ पर डाल दिया है। तो सिटी के मोड पे हमें यहाँ पर मिलता है 70 का स्पीड मैक्स टू मैक्स। तो चलिए अब मैंने इसे स्पोर्ट्स के मोड पे डाल दिया है, और स्पोर्ट्स के मोड पे कितना स्पीड मिलता है देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर 105, मैक्स टू मैक्स 105 का स्पीड हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। गाइज, अब तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल बटन पे क्लिक करना भूलिएगा मत, सो दैट कि जब भी नए वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों तक सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आ जाए। प्लीज़ हिट द बेल बटन, भूलिएगा मत प्लीज़। ये है ट्रिपोमीटर का स्विच जो कि रीसेट करने के लिए काम में आता है, और ये जो टाइमिंग वगैरह आप इसके ही मदद से चेंज कर सकते हो इस तरह से। और यहाँ पर ये इंडिकेटर्स के भी सिंबल्स आते हैं, ये रिवर्स असिस्ट का सिंबल है, ये जो दो ग्रीन लाइट दिख रहे हैं इट्स मीन आपकी जो बाइक है ये अभी स्टार्ट है।
गाइज ये इसका मिडल एरिया है, ये देखिए ये खुलता है इस तरह से, यहाँ पर मैग्नेट दिया गया है तो नीचे के साइड पे भी मैग्नेट है, जस्ट हमें इस तरह से बंद करना है तो ये क्लोज हो जाता है। फिलहाल तो यहाँ कुछ है नहीं, पर यहाँ पर फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाएगा आपको, जब आपको ये एक्सेसरीज में ही मिल जाएगा अगर आप लगवाना चाहते हो तो यहाँ पर आपको वो मिल जाएगा। और सेकेंड ये वाला जो पोर्शन है इसे कैसे खोलना है तो वो बता देती हूँ। तो ये जो की है ये हमें इस तरह से है ना राइट साइड में घुमानी है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये खुल जाता है इस तरह से। तो ये देखिए ये है इसका बूट स्पेस जो कि 10 टू 12 लीटर का होगा। आप यहाँ पर आपका फ़ोन है, मोबाइल है, वॉलेट है, डॉक्यूमेंट्स है, वो सब रख सकते हो। और ये देखिए यहाँ पर USB पोर्ट दिया गया है इस तरह से, यहाँ पर दिया गया है तो फ़ोन को आप चार्जिंग को लगाकर फ़ोन अंदर ही रख सकते हो इस तरह से। और इस साइड में ये देखिए यहाँ पर कंपनी का लोगो दिया गया है। और ये वाला जो पूरा है ये ग्लॉसी वाइट कलर में आपको ये बॉडी देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पर इस बाइक का नाम दिया गया है जो कि सिल्वर और रेड कलर में यहाँ पर बैचिंग है गाड़ी का। और ये देखिए यहाँ पर पूरा स्पोर्ट्स वाला लुक है, ग्लॉसी वाइट कलर में हमें देखने के लिए ये मिल जाता है। ये जो सीट है यहाँ पर स्प्लिट सीट दिया गया है, स्पोर्ट्स बाइक है तो जाहिर है कि यहाँ पर हमें ये सीट मिल देखने के लिए मिल जाता है। और इस सीट का हाइट है यहाँ पर 785 mm का, जो पीछे बैठते हैं उनके लिए भी ग्रैप होल्डर दिया गया है, मेटल का है जो कि ब्लैक कलर में है। और ये वाला जो पोर्शन है आप देख सकते हो पूरा प्लेन है, यहाँ पर कोई स्टिचिंग नहीं है, कंफर्टेबल है सीट दो लोगों के लिए है, नीचे के साइड पे है जो फ्रंट में बैठता है उनके लिए कंफर्टेबल है, जो पीछे बैठते हैं उनके लिए भी जो सीट है ये सॉफ्ट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, कुछ नहीं है, कॉम्पैक्ट है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। सो गाइस इसके सीट कैसे खोलना है बता देती हूँ। ये जो की है इसे हमें लेफ़्ट साइड में घुमाना है प्रेस करके, तो ये जो हमारा सीट है ये खुल जाता है इस तरह से, ये देखिए। और यहाँ पर कुछ है नहीं इतना, बस हमें ये मिल जाता है, ये है इसका टूल बॉक्स, ये यहाँ पर दिया गया है तो इसे लगा देते हैं हम। गाइस जैसे कि मैंने बोला था ये जो बाइक है इसमें लिथियम आयन बैटरी दी गई है, तो इसकी बैटरी कहाँ पर है वो बता देती हूँ आपको। तो ये देखिए इसकी जो बैटरी है उसे यहाँ पर दी गई है, ये है 4 kW की लिथियम आयन बैटरी जो कि 48 volt 83 ampere की है। और ये नॉन पोर्टेबल है, आपको इसे जगह पर ही चार्ज करना है, आप इसे निकाल नहीं सकते हो। और ये बैटरी यहाँ पर नीचे होने की वजह से आपके बाइक का जो बैलेंस है ये बना रहता है, बाइक ऐसे एक साइड में ऐसे वजन नहीं जाता है। जो बाइक्स में ऊपर के साइड पर बैटरी होती है तो उस वजह से होता क्या है, जब हम बाइक चलाते हैं तो थोड़ा सा ऐसे लगता है कि एक साइड में जो हमारी बाइक वो जा रही है, पर इस बाइक का बहुत ही अच्छा है कि यहाँ पर बैटरी नीचे दी गई है तो बैलेंस बना रहता है। और ये वाटरप्रूफ है, कोई भी डस्ट है या फिर पानी है अंदर नहीं जाएगा, प्रॉपर पूरा ये क्लोज है यहाँ पर बैटरी। आइए अब मैं आपको इसके चार्जर के बारे में जानकारी दे दूँ। ये है इसका चार्जर, दिखता है ये कुछ इस तरह से, ये देखिए यहाँ पर लिखा गया है टॉर्क मोटर। ये जो चार्जर है ये मेड इन इंडिया है और ये है 48 वोल्ट 12 एम्पियर का। और ये 12 एम्पियर का होने की वजह से 4.5 से 5 घंटे में आपकी बैटरी को चार्ज कर देता है ये चार्जर। और ये है इसका 3-pin plug और ये है बाइक को कनेक्ट करने का सॉकेट, ये आता है कुछ इस तरह से। और इसे चार्ज कैसे करना है बताती हूँ, पर उसके पहले ये है मेरा एनर्जी मीटर, इसे मैंने घर पे बनाया है और इससे बदौलत हमें ये पता चलता है कि हमारी जो बैटरी है ये कितने वॉट से चार्ज होती है। तो चलिए अब करते हैं इसे चार्ज। तो ये जो 3-pin plug है इसे मैं करती हूँ यहाँ पर कनेक्ट, और ये है चार्जर का 3-pin plug, इसे भी कर देती हूँ कनेक्ट मेरे एनर्जी मीटर पर। और ये वाला जो सॉकेट है इसे लगाना कैसे है, ये देखिए बाइक के इस राइट साइड में यहाँ पर ये सॉकेट दिया गया है चार्जिंग के लिए। तो ये वाला जो है यहाँ पे देखिए सिंबल दिया गया है, इसे हमें लगाना है इस तरह से। इसे यहाँ पर लगाने के बाद हमें करना है प्रेस, तो वहाँ पर जो हमारा डिस्प्ले है यहाँ पर वो पॉपअप होता है कि आपका जो कनेक्टर है वो कनेक्ट हो गया है सॉकेट। तो ये देखिए इस तरह से, तो अब ये हो रहा है चार्ज, पर ये कितने वॉट से चार्ज हो रहा है ये हमें पता चलेगा मेरे एनर्जी मीटर पे। इसे करते हैं ऑन, तो ये देखिए 762.5 वॉट से ये बैटरी है ये चार्ज हो रही है।
तो जब भी हमारी जो बैटरी है ये हम लगाते हैं चार्जिंग के लिए, तो हमें यहाँ पर ये पूरा इस तरह से डिस्प्ले होता है। ये देखिए टाइमिंग भी बता रहा है, चार्जिंग का भी दिखा रहा है, और इसका रेंज भी अभी यहाँ पर हमें दिख रहा है। ये है 4.5 किलोवाट की मिल ड्राइव मोटर और इसका पीक आउटपुट है 9 किलोवाट का। ये वाटरप्रूफ है और ये मेड इन इंडिया है। और यहाँ पर ये चेन ड्राइव दी गई है, इसे व्हील के साथ कनेक्ट है, और ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा है, अब तक मैंने ऐसी बाइक में नहीं देखा है चेन ड्राइव, तो ये बहुत ही अच्छा है यहाँ पर ये। और ये है नॉन एडजस्टेबल मोनो सस्पेंशन। ये है 240 mm का रेयर डिस्क ब्रेक जो कि ऑयल ऑपरेटेड है, और इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग का भी सिस्टम दिया गया है। ये देखिए यहाँ पर ये मड गार्ड दिया गया है, दो दिए गए हैं, बैक साइड में भी यहाँ पर ये मड गार्ड दिया गया है, तो डस्ट वगैरह जो है ये इससे सेफ्टी की वजह से यहाँ पर ये दिया गया है। उसी के साथ जो पीछे बैठते हैं उनके लिए भी ये फुटरेस दी गई है, जो फ्रंट में बैठते हैं उनके लिए भी यहाँ पर ये फुटरेस है। ये देखिए आप इस तरह से इसे अंदर कर सकते हो। और इस साइड में देखा जाए यहाँ पर ये है इसका साइड स्टैंड, इसमें मेन स्टैंड नहीं दिया गया है, यहाँ पर सेंसर है इस स्टैंड को। अगर आप ये स्टैंड ऐसे रख के अगर बाइक को स्टार्ट करते हो तो आपकी ये जो बाइक है ये स्टार्ट नहीं होगी, इसे आपको साइड में करने के बाद ही ये जो बाइक है ये स्टार्ट होगी। उसी के साथ ये देखिए यहाँ पर भी ये फुटरेस दी गई है फ्रंट के लिए, ये और एक यहाँ पर फुटरेस है, और यहाँ पर भी एक फुटरेस दी गई है जो कि ब्लैक कलर में, यहाँ पर भी ये सारी गार्ड दिया गया है, तो बहुत ही अच्छा है ये जो बाइक है। इसका जो कॉम्बिनेशन ये है, ये है मेटल और प्लास्टिक का, यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन दिया गया है, बहुत ही मजबूत है ये बाइक। तो गाइज़ यहाँ पर ये है इसका ब्रेक लाइट, ये भी LED दिया गया है, ये है इसके इंडिकेटर्स, मैंने अभी यहाँ पर इसका जो हज़ार्ड लाइट है इसे भी ऑन कर दिया है। ये देखिए यहाँ पर ये इसकी नंबर प्लेट है, इसके नीचे भी यहाँ पर लाइट है। इस बाइक में जितने भी लाइट है सब LED लाइट्स दिए गए हैं। सो गाइज मेरे साथ अभी यहाँ पर कार्तिक है, तो मैं उनसे पूछती हूँ कि ये बाइक में क्या ऐसा स्पेशल है, क्योंकि दूसरी भी बाइक्स है, तो उनके बाइक से इस बाइक में स्पेशल क्या है, तो मैं पूछती हूँ कार्तिक बताइए आपके बाइक में ऐसा क्या स्पेशल है। सो बेसिकली ये जो बाइक है वो नियरली मेड इन इंडिया बाइक है। प्रोडक्शन जो है वो पूरा प्रोडक्शन बाइक का जो महाराष्ट्र में ही होता है, तो आपको एक सर्विस जो है और स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी जो है बाइक की वो उसकी कोई भी कमी नहीं होगी। और सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो हम डोरस्टेप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑन रोड असिस्टेंस कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, 24 आवर अवेलेबिलिटी रहती है कभी कस्टमर को कोई भी दिक्कत हो तो हमारे कस्टमर सपोर्ट जो है उनके लिए सदैव तैयार है। और क्या है फैसिलिटी, मैं आपको आपने अभी मुझे दिखा देता हूं। हाँ, अभी आपने मुझे बताया कि हम सर्विस सेंटर देते हैं डोर टू डोर, वही मुझे जानना है वो जो चीज़ क्या है। ये जो हमारा पिट क्रू है चलता फिरता हमारा सर्विस स्टेशन है, तो कस्टमर के लिए हम कस्टमर कहीं पे भी हो कहाँ पे भी हो घर पे कस्टमर को सर्विस चाहिए हो हमारा ये चलता फिरता जो पिट क्रू है सर्विस स्टेशन कस्टमर को पूरा सेटिस्फाई कर देगा कि मतलब कोई भी ऐसी कमी नहीं है इस व्हीकल में। कस्टमर की फ्रिज है कस्टमर के लिए, मतलब सारी अवेलेबिलिटी, चार्जर भी अवेलेबल है, आप यहाँ पे देखोगे। आप मुझे अंदर से दिखाओगे? या श्योर। तो गाइस अभी ये देखिए अंदर हम आ गए हैं, बहुत ही बढ़िया यहाँ पर ट्रॉर कंपनी ने बनाया है। क्या क्या है कार्तिक बताइए मुझे वन बाय वन। यहाँ पे जो है आप, मतलब ये पूरा सर्विस यूनिट ही है, तो यहाँ पे आपको वार्डरोब मिल जाएगा, मतलब ये सर्विस पार्ट्स के लिए स्टोरिंग के लिए है। यहाँ पे एक मिनी फ्रिज रखा हुआ है कस्टमर के लिए, अगर इनकेस कोई इमरजेंसी हो या कुछ चीजें हो तो यहाँ पे अभी ये आपको फ्रिज अवेलेबल मिल जाएगा, आपको आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, मतलब कस्टमर के लिए गर्मी के सीजन में वगैरह। अच्छा, ये सब आप उनका मतलब ख्याल रखते हैं कस्टमर के ख्याल। ओके, वेरी नाइस। कैनोपी भी है वहाँ पे, वो कैनोपी बाहर रह जाती है कस्टमर के लिए। और ये क्या है यहाँ? एक्चुअली सर्विस के जो ये रहते हैं असिस्टेंट, अच्छा उनके लिए है। और देखिए यहाँ पर भी टॉर्क मोटर्स का बैचिंग है, लोगो है, बहुत ही बढ़िया है यहाँ पर। और देखते हैं ये क्या है, वो एक्चुअली गाड़ियों अगर गाड़ी सर्विसिंग के लिए जब आप जाते हो डोर पिकअप करने के लिए जो होता है गाड़ी, अगर गाड़ी पिकअप करनी हो तो यहाँ पर गाड़ी को रखते हैं इन शॉर्ट। और क्या है यहाँ पर चार्जर भी इंस्टॉल किया गया है इमरजेंसी के, तो अगर कस्टमर की बाइक डिस्चार्ज हो तो हम हमारी वैन उनको सपोर्ट करके जा सकते हैं और चार्जिंग करवा के दे सकते। अच्छा, यहाँ पर अभी कितने दो चार्जर आप मल्टीपल चार्जर दे सकते हैं, यहाँ पे और एक चार्जिंग स्लॉट है, तीन चार्जर सैटरडे टूल किए थे। अच्छा, बहुत ही बढ़िया आपने ये जो किया है प्रोविजन, बहुत ही अच्छा है।
सो गाइज आपने देखा कितना बढ़िया यहाँ पर टॉर्क कंपनी ने बनाया है, ये फर्स्ट टाइम मैंने देखा है, इतने रिव्यू किए हैं अब तक नहीं देखा, फर्स्ट टाइम है। तो जैसे कि आप देख रहे हो बहुत ही बढ़िया है, ब्लैक कलर में इसे बनाया गया है, ब्लैक है, लाइट ब्लू कलर बहुत ही अच्छा है। और ये घर आके आपको जो सर्विसिंग देती है ना, ये चीज़ बहुत ही बढ़िया है, आपको कहीं ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है। आइए अब मैं आपको इसका टेस्ट ड्राइव लेके दिखा दूं, पर उसके पहले कहना चाहती हूँ कि ये इको के मोड पे सिंगल चार्ज में 120 किलोमीटर तक जाती है। तो चलिए अब लेते हैं इसका टेस्ट ड्राइव। गाइस जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो बाइक है तो ये क्यों रखी गई है वो भी बताती हूँ। देखिए जो फर्स्ट 100 कस्टमर है ये उनके लिए है, मतलब जो होम डिलीवरी चाहते हैं कि हमारी जो बाइक है वो स्पेशली प्रॉपर पैक होके हमारे घर तक आए, तो उनके लिए ऐसे डिलीवरी होता है। अभी फिर मैं बता रही हूँ कि जो फर्स्ट 100 कस्टमर है उनके लिए ही ये फैसिलिटी है। तो गाइज अभी मेरा टेस्ट ड्राइव लेके हो गया है, तो अपना ओपिनियन दे दूँ आप लोगों को। इसके जो सस्पेंशन है ये सॉफ्ट है, इसका ब्रेकिंग भी बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसमें डिस्क ब्रेक दिया गया है, तो जो बाइक है ये जगह पे रुक जाती है। इसका ये जो ड्राइवर सीट है काफ़ी कंफर्टेबल है, और इसका हाइट भी बहुत ही अच्छा है, आप इसे हाई हील पे चला सकते हो, इसे हाईवे पे भी चला सकते हो, जहाँ मर्जी है चलाइए। पिकअप इको के मोड पे पिकअप इतना नहीं है, पर जो स्पोर्ट्स मोड है इसका, इसमें जो आपको पिकअप मिलता है ज़बरदस्त है, तो बिंदास चलाइए, बहुत ही बढ़िया है। आइए इनके फैक्ट्री में आइए, एक बार टेस्ट ड्राइव लीजिए, पसंद आती है तो ले लीजिए। और आपको कैसी लगी ये बाइक मुझे कमेंट बॉक्स में बताना भूलिएगा मत। और आज का जो वीडियो है यहीं पे रुकाती हूँ, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीक नए बाइक के साथ या फिर स्कूटर के साथ, तब तक मेरे ऐसे ही वीडियो देखते रहिए। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।